हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप जो भी वीडियोस को देख रहे हैं मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि एक पर्सन अगर आगे पांच लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करता है तो वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाएगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब मैं आपको PDF भी अवेलेबल कराऊंगी सभी नोट्स की, 25 दिसंबर से हर एक नोट्स की आपको PDF मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी उस PDF का। तो आपको भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है, 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी हेल्प के लिए तो मैं कर ही रही हूँ, नई नई कदम उठा रही हूँ आपकी हेल्प के लिए, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर देना। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, जो कि है बॉन्डिंग इन नाइट्रोसिल। अब कुछ लोग कहेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड का, वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अपना सिलेबस देखिए, अगर आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोसिल टॉपिक है तो ये आपके लिए है, यानी कि टॉपिक मैटर करता है, तो प्लीज़ आप टॉपिक खुद देखिए, नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं, स्टार्ट कर देते हैं थ्योरी। द स्ट्रक्चर ऑफ एनो ग्रुप इज डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अ कार्बन मोनोऑक्साइड विद अ वन डिफरेंस। यानी कि जो एनो की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि नाइट्रोसिल की जो स्ट्रक्चर होती है, वो सेम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होती है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है, एनो की स्ट्रक्चर में आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना हम यहाँ पे, तो हम स्ट्रक्चर बताएंगे एनो की कैसी होती है। क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होती है, सिर्फ एक अंतर होता है, डिफरेंस बोल लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में एनो का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। देन दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूल व्हिच इज रेयरली लॉस्ट टू फॉर्म एनो प्लस आयन एंड इट्स स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू फॉर्म अ बॉन्ड। यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है बट वो एंटी बॉन्डिंग में काम आ जाता है, जिससे कि वो चला जाता है और आपको एनो प्लस आयन मिल जाता है, यानी कि एनो प्लस आयन बनाने में वो खो जाता है, ठीक है। देन है, अब इसके टाइप्स पे पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है लाइनर टर्मिनल MnO बॉन्डिंग, ठीक है। लाइनर टर्मिनल यानी कि लाइनर बॉन्डिंग नाइट्रोसिल में कैसे होती है वो, तो सबसे पहले देखेंगे एज डिस्कस्ड अर्लियर NO प्लस लिगेंड इज ऑब्टेंड बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NO मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे हमने पीछे बताया था कि जो NO प्लस आयन बनता है, लिगेंड बोल लीजिए, वो बनता है तो उसमें क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है NO के पास वो खो जाता है। तो सेम यहाँ पे बताया कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है जिसकी वजह से आपको NO प्लस लिगेंड मिल जाता है। देन है NO प्लस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सेम ये भी पहले वाला ही है, पर लाइनर स्ट्रक्चर कैसे होती है उसकी बात करेंगे। देन है देयरफॉर सिमिलर टू मेटल कार्बोनिल There is a require of empty sigma and filled d pi orbitals on a metal atom. यानी कि मेटल कार्बोनिल बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए सिग्मा कैसा खाली, ठीक है, यानी कि एम्प्टी। देन आपको चाहिए d pi ऑर्बिटल जो कि फिल्ड हो, तब आपका ये मेटल कार्बोनिल बनता है। समझ आ गया, सिग्मा तो आपको एम्प्टी चाहिए और d pi ऑर्बिटल जो है वो आपको फिल्ड चाहिए। तो लाइनर वाला यहाँ तक क्लियर हुआ, आप थोड़ा सा थ्योरी इसमें आगे पढ़ लेते हैं। सेम कंडीशन इज अप्लाइड इन अ मेटल नाइट्रोसिल, यानी कि जैसे पहले बताया फिल्ड सिग्मा चाहिए एंड d pi आपको चाहिए, सॉरी सिग्मा एम्प्टी चाहिए और d pi चाहिए आपको फिल्ड। क्लियर यहाँ तक का, तो सेम नाइट्रोसिल में भी वही फॉर्मूला होता है। देन है इन मेटल नाइट्रोसिल ON इज इक्वल टू M सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड 1p sp2 एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ NO प्लस आयन। समझ आया कि इन दोनों के ओवरलैपिंग से होती है मेटल और फिल्ड s1p के आपस में ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग कैसे होती है आपको पता होगा, यानी कि इसका सिग्मा का फॉर्मूला बना दीजिए, फॉर्मूला मीन्स उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, देन पी का, और उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाई जाती है। देन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट इन अ मेटल नाइट्रोसिल NO डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन एज शोन बिलो। यानी कि इसमें ये जानना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि नाइट्रोसिल में जो NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, किसको, मेटल को, ठीक है। देखिए अब जब आप मैकेनिज्म देखोगे, ये रिएक्शंस देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा। अब एक बात देखिए, थ्योरी समझ आ गई आपको यहाँ तक कि बहुत इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाती हूँ। इवन अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ते हुए भी नहीं लगता कि आप हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, अंतर ही नहीं रहता, मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखो, सभी वीडियोस चेक करो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो मेरे चैनल पे है, जरूर देखो। जितनी वीडियो बनाई हैं उतनी अगर आप देख लेते हो तो आपका तो सेमेस्टर बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। आप रिएक्शंस देख लेते हैं।
जैसा हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोसिल होता है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो देखिए, जब यहाँ पे हम नाइट्रोसिल की अणु में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है वो, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाता है। जब नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग इस टाइप से हो जाएगी। अब क्या होगा, हम एक मेटल ले लेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो उस मेटल से रिएक्शन करता है और मेटल पे माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई। थर्ड पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेटल था वो ले लेंगे प्लस नाइट्रोसिल ले लेंगे, जो नाइट्रोसिल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद आया था। देन अब क्या होगा, आपका जो आपके पास आपका नाइट्रोजन था नाइट्रोसिल में से, वो बॉन्डिंग दे देगा आपके एम को, ठीक है, जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी डोनेट कर देगा। अब क्या होगा, NO तो सीधा बच जाएगा और M आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए, अब नाइट्रोजन ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, एक ऊपर किया, दो नीचे, थर्ड रिएक्शन में किए। आपका टॉपिक क्लियर हो गया और लाइनर मेटेलिक नाइट्रोसिल आपको मिल गया, यानी कि NO से सीधी बॉन्डिंग हो जाएगी, सिर्फ वन साइडेड बॉन्डिंग हो जाएगी जो कि वो मेटल को दे देगा। यहाँ तक का आपका जो लाइनर बॉन्डिंग थी नाइट्रोसिल में क्लियर हो गई। बहुत सिंपली लैंग्वेज में समझाया है, एक बार में नहीं समझ आता है तो वापस जाओ दोबारा से वहां से उस पार्ट को देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दो बार देखने से तो आपको रट जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पे, बेंट टर्मिनल एम एन ओ बॉन्डिंग। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सेकंड पे आ जाते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एनओ माइनस लिगेंड इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनओ मॉलिक्यूल्स, यानी कि बेंट में क्या होता है, एनओ माइनस लिगेंड बनता है, वो किससे बनता है, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एडिशन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, लाइनर बन रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बेंट बनेगा, बेंट होगा जो ब्रिजिंग होगी वो किससे होगी, एनओ माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद। दस एनओ माइनस हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनओ माइनस ग्रुप एंड एम एन ओ डज नॉट रिमेन लाइनर, यानी कि जब एनओ माइनस है तो देखिए उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो लाइनर नहीं होगी, यानी कि जब बॉन्डिंग होगी मेटल के साथ तो वो स्ट्रक्चर लाइनर नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट होगा कि वो बेंट हो जाएगा और जो बेंट का और एंगल होगा वो होगा 120 से 140 डिग्री। क्लियर, ये इसके दो एग्जांपल हैं बेंट टर्मिनल एम एन ओ बॉन्डिंग के। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि बेंट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बेंट हो जाएगा, बेंट का जो एंगल होगा वो 120 से 140 डिग्री, यानी कि 120 टू 140 डिग्री जो इसका बेंडिंग का एंगल है वो होगा। अब आ जाते हैं आगे, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन एल एन एम टाइप कॉम्प्लेक्स आयन हैव T2G6EG कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टाइप का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कब बनता है, जब कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G और EG फर्स्ट, T2G6 एंड EG फर्स्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ अ सच बॉन्डिंग शोन एज, सच मीन्स NO माइनस बॉन्डिंग कैसे होती है, बैंड स्ट्रक्चर कैसे होती है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले M मेटल होगा तो उस पर क्या होगा, M पे आ जाएगा प्लस और वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देन क्या होगा, आपका नाइट्रोसिल ले लिया और जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने यहाँ पे दिया था वहाँ पे जो लाइनर बॉन्डिंग थी वो इसका सेम अपोजिट है, या इस तरह से ट्रिक से याद करिए कि वो अपोजिट है और ये उसके अपोजिट है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नाइट्रोसिल उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जब नाइट्रोसिल उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो सीधी सी बात है आपका जो नाइट्रोजन एटम है उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या होगा, मेटल पॉजिटिव प्लस नाइट्रोसिल नेगेटिव की जब रिएक्शन होगी, मेटल पे तो पॉजिटिव रहेगा बट जो आपकी नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर होगी ना उसमें जो ऑक्सीजन है उसके वो लाइनर की जगह बेंट हो जाएगा और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बेंट मेटलिक नाइट्रोसिल मिल जाएगा। देखिए मैं जी जान लगाती हूँ आपको समझाने में, बट आप प्लीज़ पूरी वीडियोज़ को देख के समझा करो, ओल्ड वीडियोज़ ज़रूर चेक किया करो, आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोज़ रहती हैं। तो क्लियर हो गया, लाइनर और बेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शंस में अपोजिट याद कर लो, जब अपोजिट याद कर लोगे तो खुद एक्सप्लेन कर दोगे कि मेटल ने लिगेंड दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन जब उससे ऐड होगा तो बॉन्डिंग के थ्रू वो बेंट हो जाएगा, लाइनर फॉर्म में ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन सच केसेस नाइट्रोजन एटम सोर्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है नाइट्रोजन पे, इट कंटेन 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
आउट ऑफ दैम वन लोन पेयर इज डिनोटेड टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ एम टू फॉर्म एम एन सिग्मा बॉन्ड. द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज डेरिवेटिव्स ऑफ वेस्कास कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो जो पीछे हमने रिएक्शन बताई थी ना वो उसी का है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं किस किस के एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल में हमने देख लिया आई आर पी एच थ्री P का होल ट्वाइस सी ओ एन सी एल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया वो है आई आर एक साइड नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस देन कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग देन कार्बन एंड फॉस्फोरस. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये है इसका स्ट्रक्चर. ठीक, अब यहाँ तक का हो गया. बेंडिंग वाला भी जो बेंड का वाला है वो भी क्लियर हो गया आपका. अब चलते हैं हमारे थर्ड पे दो की है ब्रिजिंग एन ओ ग्रुप, यानी कि ब्रिजिंग बॉन्डिंग कैसे होती है नाइट्रोसिल में वो. ब्रिजिंग एन ओ ग्रुप, ठीक है, ऑल्दो एन ओ प्लस एंड सी ओ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोसिल ग्रुप जनरली अकर एज अ टर्मिनल लिगेंड इन अ फ्यू एग्जाम्पल इट बिहेव एज अ ब्रिजिंग लिगेंड. यानी कि हम जानते हैं एन ओ प्लस और जो सी ओ होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनमें टर्मिनल बॉन्डिंग पाई जाती है. टर्मिनल्स का मीन्स आपको पता चल गया, टर्मिनल मीन्स थ्री स्टार टाइप्स की. ठीक है, थ्री टाइप की होगी तो उसमें ब्रिज तो खुद ही बन जाता है. देन इन अ फ्यू एग्जाम्पल इट बिहेव एज अ ब्रिजिंग लिगेंड. टर्मिनल बॉन्डिंग पाई जाती है तो ये देखा जाता है टर्मिनल बॉन्डिंग की वजह से कुछ जगह ये एज अब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह शो होते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे C6H5Cr, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ देन सी एल एंड एन ओ. इनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपको एक ब्रिजिंग टाइप का कंपाउंड जो है वो मिल जाता है. यानी कि जैसे हम बोलते हैं एज अ मिरर फेस, मिरर फेस की तरह से ये आके जुड़ जाता है और आपको एक ब्रिजिंग टाइप की स्ट्रक्चर मिल जाती है. आप खुद देख सकते हो सी आर सी आर देन एन डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड ओ एन ट्रिपल बॉन्ड ओ. यानी कि ट्रांस फेस में एक दूसरे के अपोजिट सेम टाइप के मिल जाते हैं और आपकी ब्रिजिंग फॉर्म बन जाती है. सो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना. कल भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी तो आपका सपोर्ट चाहिए. और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आगे शेयर करिए. थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.